हेलो टेनिज, आईटीआई इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आईटीआई में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। मैं अनिल सर, आज आप लोगों को ट्रेनी वेरिफिकेशन बिफोर एसटी प्रोसेस क्या है, यह करना क्यों ज़रूरी है, यह कब तक कर सकते हैं, यह नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जो है मैं आप लोगों को डिटेल से जानकारी देने जा रहा हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड सारी जानकारियाँ समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को और आपको इन महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप यह जानकारी ले लें कि यह किनको करना है यह प्रोसेस। तो जो भी स्टूडेंट्स आईटीआई में एडमिशन लेते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक बार सबसे पहले नामांकन के समय में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना पड़ता है और उसके बाद दोबारा यह एक प्रोसेस है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन बिफोर एचटी। इसका मतलब होता है कि हॉल टिकट जनरेशन होने से पूर्व आपको एक यह प्रोसेस करना है। और यह प्रोसेस जो भी नए एडमिटेड छात्र हैं या प्रत्येक वर्ष जिनका नया नया एडमिशन होता है उन सभी छात्रों को यह प्रोसेस करना होता है। तो अभी जो है 2022 में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए जो है यह प्रोसेस का डेट दिया गया है। तो जो भी 2022 में जिनका एडमिशन हुआ है चाहे वो किसी भी ट्रेड के छात्र हो उनको जो है यह प्रोसेस करना ज़रूरी है। यह प्रोसेस करना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आप समझें, क्योंकि आप एक बार तो पहले ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी यदि आप प्रोफाइल में आपका जो है कोई गलत एंट्री हो गया है या गलती से आप उस टाइम में यस कर चुके थे तो आपका जो है गलत मार्कशीट या गलत सर्टिफिकेट जनरेट होगा। यह गलत नहीं जनरेट हो इसके लिए जो है आपको दोबारा से यह मौका दिया गया है। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि प्रोफाइल वेरिफिकेशन बिफोर एचटी जनरेशन, दिस इज द सेकेंड स्टेज, दिस इज द सेकेंड एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी। इस बात को समझें कि यह जो है आपका दूसरा और अंतिम अपॉर्चुनिटी है फॉर द ट्रेनीज एडमिटेड इन 2022, मतलब 2022 में एडमिशन लेने वाले जितने भी छात्र हैं उसके लिए यह जो है दूसरा और अंतिम अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इसके बाद जो है आप लोगों को प्रोफाइल में करेक्शन से संबंधित कोई भी जो है मौका नहीं दिया जाएगा। ये इस लेटर डीजीटी के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है। इसमें देखिए आपको डिटेल से भी दिया गया है, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग वेरिफिकेशन स्टेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब सबसे पहले आपको यह एडमिशन हुआ था उसके बाद यह प्रोसेस कराया गया था जिसमें कि आपके आईटीआई के द्वारा सभी डाटा का ऑनलाइन किया गया था और वह सही है या नहीं है यह आप लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ था। तो अब यह जो है दूसरा एक प्रोसेस दिया गया है, फिर से आपको एक मौका दिया गया है कि कोई गलती है तो उसको सुधार लें। तो एडमिट कार्ड जनरेट होने से पूर्व आपको फिर से एक बार यह मौका दिया गया है और यह प्रोसेस आप कर लेते हैं तो आपको जो है आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, उसमें सही सही सब कुछ नाम आपका एंट्री होगा और सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह में भी सब कुछ सही सही रहेगा। तो इसके लिए जो है आपको यह सेकेंड और लास्ट चांस दिया गया है। इसमें जो है देखिए आप यह प्रोसेस कर लेते हैं तो आपको जो है कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं रहेगा, अदरवाइज यदि कोई गलती रह जाती है तो फिर आप सही नहीं करा पाएंगे। आप चाहे आईटीआई के चक्कर लगाएं, बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाएं, वो जल्दी सही नहीं हो पाता है। और एनसीबीटी ट्रेड जितने भी है सबका जो है हेड ऑफिस आपका जो है दिल्ली में है, डीजीटी दिल्ली के द्वारा कंट्रोल होता है। तो अगर आप कोई भी गलती है आपका किसी भी जगह पर प्रोफाइल में तो आप अपना प्रोफाइल चेक कर लें। आप प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे इससे संबंधित जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आई कार्ड में भी लिंक मिल जाएगा। और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन बिफोर एचटी प्रोसेस कैसे करना है इससे संबंधित भी ऑलरेडी मेरा दो दो वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख करके आप समझ सकते हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है, कोई कठिनाई होता है तो आप कॉमेंट जरूर करें, हम आपके प्रत्येक कॉमेंट का जवाब देंगे। और आप जो इससे संबंधित मेरा दोनों वीडियो बना हुआ है मैं उसको आपको बता दूँ। देखिए यह एक वीडियो मेरा बना हुआ है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन बिफोर एचटी, यह 14 मिनट और 18 सेकंड का वीडियो है, इसमें पूरा डिटेल से मैं बताया हूँ। तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं और यह वीडियो देख करके आप इसका पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो मेरा और भी बना हुआ है आईटीआई एग्जाम अगस्त 2022, यह जो है पिछले साल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाया था, लेकिन चाहे कोई भी वीडियो हो किसी भी साल का हो प्रोसेस एक ही है, इस प्रोसेस से जो है आप अपना सही कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी वीडियो देख करके आप अपना जो है सही करा सकते हैं। अब यह जानकारी ले लें कि कब तक आप इसको कर पाएंगे। के द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें देखिए प्रोफाइल वेरिफिकेशन बाय ट्रेनीज के लिए जो है इसमें देखिए 1/5 से लेकर के और 15/5 तक का जो है इसमें डेट दिया गया है, 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है। तो आप 15 दिन का टाइम दिया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अंतिम समय का इंतजार करें, आप जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर में आप अपना प्रोसेस यह पूरा कर लें, क्योंकि फिर आपको यह प्रोसेस करने के बाद आपका जो गलती होगा उसके लिए आपको सही डॉक्यूमेंट लेकर के अपने आईटीआई में जाना पड़ेगा और आईटीआई में जो ऑनलाइन का कार्य करते हैं उनसे संपर्क कर आपको उसको सही कराना होगा। अगर यह नहीं करते हैं तो फिर आपका गलत ही रह जाएगा।
और इसके लिए देखिए वैसे आईटीआई के पास में टाइम दिया गया है 1 तारीख से 20 तारीख तक, 5 दिन जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। स्टूडेंट को 15 तक ही टाइम दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट को 20 तक का टाइम, आईटीआई को 20 तक का टाइम दे दिया गया है, 5 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। लेकिन आप इस अंतिम समय का इंतजार नहीं करें और आप जो है अविलंब आज से इसका लिंक ओपन है, शुरू हो गया है, आप खोल करके चेक करें और देख करके आप इस पूरा प्रोसेस को कर लें। आपको कहीं पर भी कोई कठिनाई होती है तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।